जब पूरे आसमान में बारूद की गंध भर जाती है और हर किसी के दिल में उमंग। जब अमावस की अंधियारी काली रात भी रोशन हो उठती है, घर कर उठता है जगमग। जब घर घर से पकवानों की खुशबू आने लगती है, लक्ष्मी की अगवानी में पलक पावड़े बिछा देते हैं भक्त। दीपों का एक ऐसा ही त्योहार है दीपावली। जब माहौल में ही खुशी की खुमारी धुल जाती है, हर साल ये दीपावली अपने साथ कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं लेकर आता है, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता होती है जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कामना। तमाम रीति रिवाजों और कथाओं के बावजूद दीपावली को त्योहारों में अलग ही जगह हासिल है, जो ना तो जाति धर्म के बंधन में बंधा है, ना मेरा तेरा के फर्क में बटा है। ये एक ऐसा त्योहार जो हिंदू, सिख और जैन धर्म के लिए बराबर अहमियत रखता है। पहला जो पर्व होता है वो होता है धनतेरस का। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव इस दिन प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत कलश था, यानी कि उस दिन धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है, उनके नाम का दीपक जलाया जाता है। फिर उसके बाद इसके अगले दिन आता है छोटी दीपावली कहते हैं, इसको हम नरक चौदस भी कहते हैं, यम चौदस भी कहते हैं। इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। इसमें अकाल मृत्यु, अकाल कष्ट से मुक्ति के लिए इस दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तीसरे दिन महालक्ष्मी पूजन होता है। इस दिन महालक्ष्मी का समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था, तो इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, महालक्ष्मी के नाम की दीपक जलाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। भक्त लोग महालक्ष्मी के पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली मनाने को लेकर तीन मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मान्यता है भगवान राम की अयोध्या वापसी की। माना जाता है कि अयोध्या में जब भगवान राम के सिर पर राजा का ताज सजने वाला था, तो उन्हें 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। वनवास पर तो अकेले भगवान राम को भेजा गया था, लेकिन भगवान राम के साथ पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन का रास्ता पकड़ लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम की इस कथा में हर घटना के मायने मिलते हैं, और माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने वनवासी, आदिवासी और पूरे समाज को एकजुट किया, उन्हें धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया। लेकिन एक दिन विधर्मी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, एक ऐसा दुस्साहस जिसमें पूरे लंका की बर्बादी लिखी थी, रावण के कुल का विनाश लिखा था और सोने की नगरी लंका खाक होनी थी। कहते हैं कि इस अधर्म पर धर्म की विजय हुई, बुराई पर अच्छाई की विजय पताका लहराई दशहरे पर, जिस दिन देश में धूमधाम से रावण का दहन किया जाता है। कथा है कि इस विजय के साथ ही वनवास का वक्त भी खत्म हो चुका था, और दशहरे के बाद भगवान राम ने अयोध्या का रुख किया। रावण के मारे जाने के बाद लंका पर विभीषण का राज कायम हुआ, और विभीषण ने भगवान राम को अयोध्या वापस जाने के लिए पुष्पक विमान दिया। कहते हैं कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की वापसी की खबर सुनकर पूरे अयोध्या में खुशी दौड़ गई।
लोग उत्साह से नाचने लगे और उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया। धीरे धीरे ये दीप अयोध्या से पूरे देश में फैल गए और खुशी के इजहार का तरीका भी भव्य होता गया। ये पंचदिवसीय त्योहार है और इन पांचों दिनों में भगवान श्री राम, जैसा हम आप सभी जानते ही हैं इस बात को कि नवदुर्गा के बाद में विजयादशमी पर्व जब हम मनाते हैं, उस दिन भगवान श्री राम के द्वारा रावण का संहार किया गया था, इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया था। और प्रभु श्री राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने, पूरे विश्व ने, पूरे ब्रह्मांड ने भगवान श्री राम के आने की खुशी को दीपावली के रूप में, दीपोत्सव के रूप में मनाया था। कृष्ण भक्ति धारा के लोग दीपावली को एक अलग वजह से मनाते हैं। कथा है कि नरकासुर मथुरा के राजा कंस का असुर मित्र था। लगभग पूरी पृथ्वी असुरों से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन नरकासुर का उपद्रव जारी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका वध करने का प्रण किया। भगवान कृष्ण ने आखिर नरकासुर का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया और धरती को अत्याचार से मुक्त कर दिया। कथा है कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को नरकासुर से मुक्त कराया, उस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या थी। एक राक्षस के वध से चारों ओर इतनी खुशी छाई कि लोगों ने अपने अपने घरों में घी के दिए जलाए। कहते हैं कि नरकासुर के वध पर मनाई गई खुशी ही दीपावली की परंपरा में बदल गई। एक पौराणिक कथा में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप लेकर दिवाली के ही दिन हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस दिन समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। दीपावली का पर्व जैन मत के अनुयायी भी धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि जैन धर्म में दीपावली के दिन ही सुबह सुबह अंतिम तीर्थ कर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उनके प्रमुख शिष्य गौतम गर्धर को शाम में परम बोधि कैवल्याग ज्ञान मिला था। चूंकि ज्ञान को ज्योति के प्रतीक के रूप में माना गया है, जो खुद भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, इसलिए जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाया जाता है। सारे जैन मंदिरों में विशेष दीपक जलाए जाते हैं, भगवान महावीर की विशेष पूजा की जाती है। जैन धर्म में वैराग्य लक्ष्मी की उपासना की जाती है और माना जाता है कि भगवान महावीर को उस दिन मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर का निर्वाण, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उनका निर्वाण दिवस है। और जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर रहे हैं, उन्होंने ही इस दिन मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो इस उपलक्ष्य में भी भगवान महावीर को याद करते हुए और इस पर्व को मनाया जाता है। जैन धर्म में इसकी विशेष, जैन धर्म में इसका विशेष महत्व है। दिवाली के दिन अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी जगमग कर उठता है और इसके पीछे भी एक कथा छिपी है। कहा जाता है कि साल 1577 में दिवाली के ही दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और मंदिर के नींव रखने की खुशी हर साल मनाई जाती है। स्वर्ण मंदिर के शिलान्यास के अलावा सिख धर्म में दीपावली को एक और घटना खास बना देती है। कहा जाता है कि साल 1679 में जिस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था, वो दिन दिवाली का ही दिन था और इसके बाद से सिखों के लिए दीपावली और भी पवित्र हो उठी। दिवाली पर चिन्ह का भी खास महत्व होता है और वो चिन्ह है स्वास्तिक का। आमतौर पर दिवाली के दिन मंदिरों, दीवारों, बही खाता या तिजोरी पर शुभ लाभ लिखा जाता है और स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि दिवाली के दिन धन की देवी लक्ष्मी विघ्नहर्ता गणेश के साथ स्वास्तिक की भी पूजा की जानी चाहिए। पुराणों में इसे मंगल भावना और सुख सौभाग्य देने वाला माना गया है।
तो साथ में ये भी कहा गया है कि ये सूर्य और विष्णु का प्रतीक होता है स्वास्तिक, जो मन की मुरादें पूरी करने के साथ साथ जगत के कल्याण में जुटे लोगों और देवताओं को अमरत्व्य देता है। स्वास्तिक को मूल ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, जिसके मध्य को भगवान विष्णु की नाभि कहा गया है और चारों रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के चार मुख, चार भुजा और चार वेदों का प्रतीक कहा गया है। माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर शुभ लाभ लिखने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। शुभ और लाभ दोनों ही भगवान गणेश के पुत्र हैं, जिससे कि हमको सुख समृद्धि, आनंद, वैभव और उन्नति की प्राप्ति होती है। इसलिए हम शुभ और लाभ इनका महत्व उजागर करते हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में उनको हम प्रत्येक स्थान पर लिखकर और उनसे अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए उनका हम लेखन करते हैं, उनके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीपोत्सव के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन का भी एक इतिहास है, जिसका वर्णन हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि दैत्य दानव के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो इस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से 8वें रत्न के तौर पर माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। लेकिन ये पर्व सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं, दिवाली अपने साथ 5 त्योहारों का एक गुलदस्ता लाती है, जिसकी शुरुआत होती है दिवाली से। धनतेरस वो दिन होता है जब धनवंतरी की पूजा की जाती है, नए बर्तन और आभूषण खरीदे जाते हैं, जिसका मकसद होता है पूरे परिवार की सेहत की कामना और भविष्य के लिए धन संचित करना। धनतेरस के बाद का दिन होता है नरक चतुर्दशी का, जब रूप लावण्य को निखारने के लिए तरह तरह के उपटन लगाए जाते हैं। घर के दरवाजे के बाहर तेल का एक दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। नरक चतुर्दशी यम चौदस इसे कहा जाता है। इसके इस पर्व के अंदर देखा जाए तो एक कथा बहुत प्रचलित है, यानी कि इस दिन नरकासुर नामक दैत्य का श्री कृष्ण जी ने वध किया था और 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त किया था। तो बंधन से मुक्त, रोग, अकाल, मृत्यु, भय से मुक्ति के लिए इस दिन यम का दीपक जलाया जाने का विधान है। यम का दीपक जलाया जाता है और यम का चौमुखा दीपक ले लीजिएगा, उसको बाहर घर के बाहर जलाया जाता है और यम से प्रार्थना की जाती है कि अकाल मृत्यु, अकाल भय से हमें मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद आती है दिवाली, जब लक्ष्मी के आगमन का आग्रह किया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा करने का विधान है। गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है, और सरस्वती की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि लक्ष्मी तभी तक ठहरती हैं जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो। इसके बाद बारी आती है गोवर्धन पूजा की, जब अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और इस दिन गाय की विशेष पूजा की जाती है। इस 5 दिन के महापर्व का अंत होता है भाई बहन के प्यार के पर्व से। इस कड़ी में अंतिम त्योहार होता है भाई दूज का पर्व। जिस तरह रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को घर बुलाता है, उसी तरह भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करती है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये महोत्सव है। इस दिन क्या होता है, भाई को तिलक किया जाता है, बहनें भाई को घर के लिए आमंत्रित करती हैं, अपने घर बुलाती हैं और भाई का तिलक करती हैं, भाई का आशीर्वाद लेती हैं, भाई को अपने हाथ द्वारा निर्मित अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाती है। इसमें एक कथा भी है, इसमें कथा है यमुना और
यमराज के प्रेम की कथा है कि यमुना उनकी बहन थी, उन्होंने यमराज जी को अपने घर आमंत्रित किया, यमराज जी गए और बहुत खुश हुए, उनके भोजन और उनके अतिथि सत्कार थे। तो यमराज जी ने उनसे बोला कि बहन मांग, तुझे क्या मांगना है? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप मुझसे प्रसन्न हुए, तो हर साल एक दिन यानी कि कार्तिक मास के अंदर देखा जाए, द्वितीय तिथि के अंदर आप जो भी बहन अपने भाई को बुलाएगी, तिलक करेगी और उस दिन क्या कहते भोजन कराएगी, उस दिन भाई के समस्त प्रकार के कष्टों की आप मुक्ति करेंगे। तो वो यमराज जी ने कहा तथास्तु, इसलिए उस दिन से भैया दूज मनाया जाता है। दीपावली पर पटाखों का सिलसिला कब शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता, ना तो इसका जिक्र पुराणों में मिलता है, ना ही इतिहास में पटाखों का कोई उत्सव। इस परंपरा के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि शायद समय के साथ इसे खुशी के इजहार का तरीका मान लिया गया है। हिंदुस्तान में राजशाही के दौर में भी इसका चलन मिलता है, जब पटाखे फोड़ने को शुभ माना जाने लगा। राजा की तरफ से इस दिन छोटे बच्चों को दिन भर और देर रात तक खेलने और खुशी मनाने की छूट दी जाती थी। माना जाता था कि अगर पटाखे छोड़ने पर आग ना निकले, आवाज ना हो, तो उस साल अकाल पड़ने का अपशकुन होता था। अगर बच्चे आपस में लड़ते थे तो राजयुद्ध की आशंका होती थी, और अगर घोड़े बनकर खेलते थे तो राजशाही को विजय मिलती थी। समय के साथ पटाखों का शोर तेज होता गया, खासकर शहरों में आसमान में सतरंगी छटा दिखने लगी। दिवाली सिर्फ एक धार्मिक पर्व मात्र नहीं, ये ज्ञान के विस्तार का भी पर्व है, जिससे हमें पता चलता है कि हम अंधकार की ओर नहीं, ज्ञान के प्रकाश की ओर जा रहे हैं। ये पर्व ये भी बताता है कि सांसारिक सुखों से ऊपर भी एक सुख है। ये सुख है देश के हर कोने को रोशन करने का, माहौल में मिठाई की मिठास घोलने का, एक दूसरे का मुंह मीठा कराने का और वैर भाव से मुक्त होकर एक दूसरे को गले लगाने का, जो सिलसिला सदियों तक समाज को ऊर्जा देता रहेगा, एक दूसरे के करीब लाता रहेगा, प्रगति की ओर ले जाता रहेगा, विजय दिलाता रहेगा और अंधेरा मिटाता रहेगा। आस्था के इस धर्म यात्रा को अब यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमारी इस धर्म यात्रा में आप हर क्षण हमारे साथ रहिए और विश्वास से श्रद्धा का बस एक दीप अपने मन में जगा कर देखिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।